नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कालचक्र का नया खेल शुरू हो चुका है। अब आपके जिंदगी से सभी प्रकार की बुराई का अंत होने वाला है। सभी प्रकार के दुख जो आपके जीवन काल में लगातार कई समयों से चल रहे हैं, जो आपके जीवन काल में परेशानी जो लगातार कई समयों से चल रहे हैं, दोस्तों उनसे अब आपको छुटकारा मिलने वाले हैं। अब आपको सजाओं से मुक्ति मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कालों के काल महाकाल का तीसरी नजर अब आपके कुंडली पर पड़ चुका है, जिनके कारण दोस्तों अब आपका समय का काल चक्र बदल चुका है, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आखिर कब तक आप उस बुरे दौर में रहते, आखिर कब तक आप लोगों के जुल्म सितम को सहते। जितना आप अच्छा करते थे, लोग आपको उतना ही गलत और उतना ही बुरा साबित कर देते थे। दोस्तों, आपने यह चीज तो देखा है कि किस प्रकार लोग आपका सिर्फ फायदा ही उठाते हैं, कभी भी आपका साथ नहीं देते, साथ रहने का चीज ढोंग कर लेते हैं। यह बात सत्य है, साथ रहने का वह ढोंग करते हैं, जब सामने आ जाए तो मुंह पर अच्छी अच्छी बात तो बोल देते हैं, लेकिन जब रियल में, जब हकीकत में आपको उसकी जरूरत पड़ जाती है तो दोस्तों आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं रहता। और आप यह बात भी जानते हैं कि आप हमेशा सभी के साथ खड़े हुए हैं, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आप उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। उनके दुख में, उनके दर्द में हमेशा आप उनके साथ निभाए हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आपका बारी आती है, जब भी आपका समय आता है साथ देने का, साथ निभाने का, तो दोस्तों कोई आपका साथ नहीं देता। अकेले ही आपको अपने मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी जिंदगी में आप कब तक रहते। इसीलिए दोस्तों आने वाले 8 से 10 दिनों का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण समय रहने वाले हैं। जी दोस्तों, यश में 8 जगहों पर आपको 8 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और 8 जगहों पर आपको सावधानियां भी रखनी होंगी। जी दोस्तों, तो दोस्तों इसी में आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगी आने वाले आपके भविष्य के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान भोलेनाथ के महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ का अशीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ सभी देवों में से ऐसे देव हैं जो सभी भक्तों पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ बेलपत्र अर्पित कर देने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चा श्रद्धा रखने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनके भी जुनकाल में अपनी तीसरी नज़र खोल दे, उनके जुनकाल से सारे अंधियारा दूर कर देते हैं। दूर दूर तक कोई बुराई नहीं दिखता। और दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में भी भगवान भोलेनाथ का तीसरी नज़र खुल चुका है। यूँ कहें तो अब आपका काल चक्र का जो गति है वह मुड़ने वाला है और आपके जीवन काल में आपको एक नई जिंदगी भगवान भोलेनाथ देने वाले हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आने वाले 8 दिनों में आपको 8 बड़ी सावधानी भी रखनी है और 8 बड़ी आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, इन सभी के बारे में हम पूरे विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में लिखा है कि जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पेशे न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है और प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। तो हमेशा हर मनुष्य को अपने जुनकाल में, जीवन में जो भी चीज़ मिली उन्हें पचाना सीखना चाहिए, सहना चाहिए। जी दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, दिल को छू लिया हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं कि आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर आपके कालचक्र का जो समय बदल चुका है, भगवान भोलेनाथ का तीसरी नज़र अब आपकी कुंडली में पड़ चुका है, तो दोस्तों ऐसे में अब आपको 8 जगहों पर
कौन सी आठ बड़ी सावधानी रखनी है और आठ जगहों पर कौन सी आठ बड़ी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इसमें आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी इसमें होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें इसमें आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह भी यश में कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यशमय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे, परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यश में संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि न्याय के देवता है भगवान शनिदेव। बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहे हैं। जो लोग पुराणों की कथा सुनते हैं, इष्ट देव की आराधना करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, सबका भला करते हैं, उन पर शनिदेव अनिष्टकारी कष्ट नहीं देते बल्कि उन्हें सुख प्रदान करते हैं। तो दोस्तों अब आपको अपने जीवन काल में इन्हें सभी बातों का ध्यान रखना है और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और अधिक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।